Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the perpendicular bisector theorem and its converse. Okay? दो थ्योरम्स हमें सीखना है, एक का प्रूफ देखेंगे और एक का इलस्ट्रेशन देखना है. ओके, कॉन्वर्स का प्रूफ ना देखते हुए कॉन्वर्स का सिर्फ इलस्ट्रेशन देखेंगे. अब ये थ्योरम स्टडी करने से पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं. अब देखो, सपोज ये एक सेगमेंट है ए बी और यदि मैं बोल रहा हूं कि लाइन एल लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एन. ओके, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एन. इसके दो मतलब निकलते हैं. एक तो ये कि सपोज यहां पर पॉइंट आप ले लो पी. ओके, सो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है. मतलब एंगल पीएमए एंड एंगल पीएमबी बोथ आर 90 डिग्री और परपेंडिकुलर तो हो गया और साथ ही साथ बाइसेक्टर भी है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मतलब एएम इज इक्वल टू बीएम, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बराबर है? यदि कोई आपको बोलता है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एबी, इसका मतलब एंगल पीएमए एंड एंगल पीएमबी बोथ आर 90 डिग्री एंड सेगमेंट एएम इज इक्वल टू सेगमेंट पीएम. अब थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, ये सेगमेंट है, सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इट इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब उसका इक्वल डिस्टेंस है किससे? फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. मतलब क्या? अब देखो, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एबी और पॉइंट पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो इसका ये मतलब है कि बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम दिस पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट एबी. मतलब पीए इक्वल टू क्या रहेगा? पीबी. इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंस आपको पता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है. ओके, सो ये जो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसका डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से सेगमेंट के इक्वल रहेगा. मतलब पीए इक्वल टू पीबी हमें बताना है. सो अब देखो, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम डायग्राम तो यही आएगा. बराबर है? इसमें आएगा गिवन लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल. ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये जो पॉइंट पी है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी. मतलब हमें ये बताना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी. अब देखो, यहां पे कंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि टू प्रूव में पीए इक्वल टू पीबी तो आ गया है, पर डायग्राम में ना पीए दिख रहा है ना पीबी दिख रहा है. सो ये आएगा ड्रॉ पीए ड्रॉ पीए एंड पीबी, ये बार कंस्ट्रक्शन में आएगा. अब देखो, प्रूफ काफी सिंपल है. जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया पीए और पीबी, तो यहां पे दो ट्राइंगल तैयार हो गए. ओके, और पीए ट्राइंगल पीएमए का हिस्सा है और पीबी ट्राइंगल पीएमबी का हिस्सा है. और अब तक हम बहुत बार ये देख चुके हैं कि दो अलग अलग ट्राइंगल के दो अलग अलग साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बता दो. और यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स में सेगमेंट पीएम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीएम आएगा, कॉमन साइड. एंगल पीएमए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीएमबी आएगा, ईच 90. एंड सेगमेंट एएम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीएम आएगा, दिस इज गिवन. सो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय
एस ए एस टेस्ट, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ काफी सिंपल है। ओके देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एपी, दिस इज गिवन, देयरफॉर दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल पीएमए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीएमबी, वन नाम दो, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री, और बाइसेक्ट भी कर रहा है मतलब सेगमेंट एएम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीएम। अब लो आप इन ट्राइंगल पीएमए एंड ट्राइंगल पीएमबी सेगमेंट पीए, सॉरी नॉट पीए, सेगमेंट पीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीएम कॉमन साइड। एंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम बी ईच 90 डिग्री, एंड सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी एम फ्रॉम 2। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके इसका मतलब सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी, रीजन बाय सी एस सी टी, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी, दिस इज योर प्रूफ। ओके अब देखो, यदि यहां पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल पर यदि यहां पर पॉइंट एक्स भी रहता तो एक्स ए इक्वल टू एक्स भी आता था। ओके यदि यहां पर पॉइंट डी रहता था तो डी ए इज इक्वल टू डी भी आता था। यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस लाइन पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ऑन विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ड्रॉन, मतलब डी ए इक्वल टू डी बी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, पी ए इज इक्वल टू पी। ओके अब देखो कॉन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट यह है कि एनी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। ओके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का पूरा उल्टा है, ऑब्वियसली कॉन्वर्स तो उल्टा ही रहेगा। इसमें सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं, ओके उससे कोई पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट है, बराबर है, सेगमेंट के एंड पॉइंट से अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ऑलरेडी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है, सो ऐसा होने पर दैट पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, ऐसा बोला गया है। ओके अब देखो यहां पर जैसे गिवन पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, बस इतना ही है गिवन। ओके ये मार्किंग नहीं आएगी। ओके पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी बोला गया है, तो ऐसा होने पर दिस पॉइंट पी, देयरफॉर पॉइंट पी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी, दिस इज converse of perpendicular bisector theorem। okay